फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल चैनल। आप सभी का इन्फो कैप्सूल चैनल पर स्वागत है। तो वंस अगेन हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, समझ सकें, देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए, बिना किसी देर किए हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस के फीचर्स क्या होते हैं पहले पार्ट में, और वो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके, कि जिससे कि हम जान पाते हैं कि ये चेंज केमिकल चेंज है। अगले जो लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड की जा सकती हैं और उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है केमिकल रिएक्शंस का, वो कैसे किया जाता है, कितने तरह की होती है केमिकल रिएक्शंस, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। पाँच तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है बेसिकली आपके पास। तो एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी कि जिसमें चीज़ें कंबाइन करती हैं। दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें टूटती हैं। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जिसमें एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करती है। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें दो चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं। और पांचवी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इनको संयोजन अभिक्रियाएँ, अपघटन अभिक्रियाएँ, विस्थापन अभिक्रियाएँ, दोहरी विस्थापन अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात कि इसमें जो राइट साइड में होगा वो सिंगल कंपाउंड बनेगा आपका। ठीक, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलकर के सिर्फ एक चीज़ बना रही होंगी, सिंगल कंपाउंड बना रही होंगी। तो ये जो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ जब कंबाइन करेगी तो क्या होगा, जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी, जब मिलकर के एक ही उत्पाद बनाएगी, जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिल करके, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसा कि आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जब जब दो या दो से वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक तरह का कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जैसे आप एक एग्जांपल देखते आइए कि जैसे मैग्नीशियम जो है, जब ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो ये क्या कहलाता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या है, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जल करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो दो चीज़ें हैं लेफ्ट साइड में, एक मैग्नीशियम, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के क्या है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसलिए एक इस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में जलती है तो क्या होता है कि पानी बनता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन में जलती है तो पानी बनता है। बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, एक एक्सप्लोसिव गैस है। ठीक, तो जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो हमारे सराउंडिंग्स में तो ऑक्सीजन ही है, तो वो हाइड्रोजन उसके साथ में जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है वो तेजी से विस्फोट करके जलने लगती है। तो हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव गैस है, रेड फ्लेम के साथ जलने लगती है और रिएक्ट करके उसे पानी बनाती है। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें मिल रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या बना रही है, पानी। तो किस तरह की रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में दो और राइट साइड में केवल एक ही चीज़ है। ठीक, तो जब भी आप राइट साइड में देखें केवल एक ही चीज़ बन रही है और लेफ्ट में एक से ज़्यादा है, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे ये देखिए अगला एग्जाम्पल आपका, कि यहाँ पे क्या है कि कार्बन, ठीक, फिर क्या है, ऑक्सीजन में जल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जल रहा है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेफ्ट में कितने चीज़ें हैं, दो, और राइट में क्या है, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी एक किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। ठीक,
अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि आयरन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेरस सल्फाइड। ठीक, वंस अगेन आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो चीज़ें हैं, आयरन और सल्फर। तो आयरन और सल्फर मिल करके क्या बना रहे हैं, आयरन और सल्फर मिला करके क्या बना रहे हैं आपके पास, फेरस सल्फाइड। ठीक, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि जब आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, जैसा कि आपने देखा था पीछे भी एग्जाम्पल जब हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे गैस निकलने, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली। आपने देखा था वहाँ पे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में पानी जब डालते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसके साथ ही साथ क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, पानी के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितनी चीज़ें मिल रही हैं, दो, कितना बन रहा है, एक। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिले और एक चीज़ बनेगी तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अंडरस्टूड, सभी को क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन के टाइप में बढ़ते हैं। तो अगला रिएक्शन का टाइप हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, ये जैसा कि अभी आपने पहले देखा कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर क्या बना रही, एक चीज़, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट द कम्पोजि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, संयोजन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट है डिकम्पोजिशन। वहाँ पे कंबाइन हो रही चीज़ें, संयोग एक दूसरे से मिल करके एक चीज़ बना रही है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक ही चीज़ होगी, लेफ्ट साइड में आपका रिएक्टेंट सिंगल होगा, लेकिन उसको जब हीट करेंगे या कोई और चीज़ रिएक्ट से उसको ट्रीट करेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ बनाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, अब बेसिकली डिकम्पोजिशन एक से ज़्यादा तरीके से हो सकता है, उसके कई सारे प्रेरक हो सकते हैं कि वो कई तरह के माहौल में चीज़ें टूट सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो हीट से टूट रही है, कि लाइट से टूट रही है, या इलेक्ट्रिसिटी से टूट रही है, ये अलग अलग तरह की रिएक्शन हो सकती है, अलग अलग एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये देखिए, जैसे एक हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाती है रिएक्शन, वह अभिक्रियाएँ जिनमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रियाएँ। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपने देखा, अब जैसे कि एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ सॉलिड। ठीक, यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, और जब उसको हीट करने से या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से या उसमें लाइट पास करने से वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट में टूट जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो इस तरह से आपने एक एग्जांपल देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी चीज़ इन्वॉल्व है रिएक्शन में, सिंगल एक चीज़, कितनी बन रही है, दो। तो किस तरह की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं, जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट ये ऑक्सीजन बनाने का मेथड भी है, कि पोटेशियम क्लोरेट के जब सॉलिड को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, वंस अगेन आप क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट एक सिंगल मॉलिक्यूल है, KClO3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि जो 3 लिखा है या जो भी लिखा है यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि KClO3 जो है वो क्या हो रहा है, और 3 यहाँ पे नीचे जाना चाहिए, सुपर सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए बेसिकली, वो कि नीचे लिखा जाता है एक्चुअली। यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी है ना इसमें, तो इसको आप समझ सकते हैं कि KClO3 में 3 नीचे लिखा हुआ है, O2 में 2 नीचे लिखा हुआ है। तो ये आप समझना चाहिए आपको कि हमेशा जब मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड में जो उसका नंबर इंडिकेट करता है वो तो नॉर्मल केस में लिखा जाता है, लेकिन जो एटम के नंबर को इंडिकेट करता है, जैसे 3 है, 2 है, तो इसको हम हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, लोअर उसमें ले जा करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, ये किस तरह की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने दो एग्जाम्पल देखा कि एक तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन।
दूसरा क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते तो कैल्शियम ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल होगा रिएक्टेंट में और उससे हमेशा दो चीज़ें बन रही होंगी, ठीक। और एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे आप फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, देखिए क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं तो Fe2O3, वंस अगेन यहाँ पे Fe2 नीचे जाएगा, 3 नीचे जाएगा ऑक्सीजन का, SO2 में यहाँ 2 नीचे जाएगा, E3 यहाँ पे 4 नीचे जाएगा। इस पे ध्यान नहीं देना है हमको, क्या ध्यान देना है अभी कि फेरस सल्फेट जो है FeSO4 जो है उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल को हीट किया जा रहा है और 3 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो वो क्या है, ये किस तरह की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये अपघटन अभिक्रिया है, ठीक। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं आप तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक। तो इस तरह से वंस अगेन लेड नाइट्रेट को हीट करने पर 3 अलग अलग कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, लेड का ऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक। तो ये जो 4 एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे जब फेरस आयरन का ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा, ठीक। ये फेरिक ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक। FeO क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से वंस अगेन ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। किस तरह की रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये चारों की चारों रिएक्शन क्या हो रही है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, टेम्परेचर की वजह से हो रही है, जब हम इनको हीट कर रहे हैं इस वजह से ये डिकम्पोज हो रही है, दैट्स वाई दीज रिएक्शन आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का देख लेते हैं, आइए। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है कि जब आप पानी में H2O में थोड़ा सा एसिडिक, उसमें कुछ हल्का सा एसिड डाल देंगे और फिर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड पे जाकर के हाइड्रोजन जमा होगा, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव उस पर जाएगा, ठीक, एनोड पे जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वहाँ, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर जो कि सिंगल एक मॉलिक्यूल है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, किस वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसलिए ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये उस तरह की रिएक्शन है। इस तरह से एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन का। दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं किसमें, जब एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी होती है, एल्यूमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, बॉक्साइड जो और होता है इसका, उसको क्या करते हैं हम, इसके पाउडर को इसमें जो मेल्ट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। और तो इस तरह से ये दो रिएक्शन आपने जो देखी जिससे जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक। सारे हम डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऊपर जो 4 रिएक्शन आपने देखी, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट, तो इन 4 को जब हीट करते हैं तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे आपने देखा कि पानी को और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस की वजह से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। तो लाइट के कारण टूट जाते हैं, इस तरह का कौन सा एग्जाम्पल है आप देखेंगे, तो एक तो होता है जो सिल्वर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है, जब ये ब्रेक करता है जब लाइट की प्रेजेंस में तो सिल्वर मॉलिक्यूल और क्लोरीन का इन दोनों चीज़ों में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। इसी तरह से जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में
अलग अलग टूट जाता है। ठीक, तो आपने देखा होगा बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनका यूज क्या होता है, जो आप फोटोक्रोमिक ग्लासेस देखते हैं तो जब लाइट उस पर नहीं पड़ रही होती तो सिल्वर ब्रोमाइड जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर लाइट पड़ती है तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग हो जाता है, जो कि जिसमें कि सिल्वर जो है वो हल्का सा ग्रेइश कलर लेकर के उस पर जो चश्मे को काला कर देता है। ठीक, तो ये है, इस वजह से इस कंपाउंड, सिल्वर के कंपाउंड यूज किए जाते हैं, स्पेशली ब्रोमाइड और आयोडाइड, जो कि आसानी से लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं। ठीक, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक, इसमें लाइट की वजह से जो सिल्वर का जो मॉलिक्यूल है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या हो रहे हैं, अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जा रहे हैं, इसलिए इस तरह से ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस तरह से आपने यहाँ तक यहाँ पे देखा कि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो सकता है, और लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो सकता है। ठीक, और आपने सबके एग्जाम्पल देखे, दो दो तीन तीन चार चार। ठीक, आइए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, अगला टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी को हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह से उसको हटा दीजिए तो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के किसी पार्ट को हटा देता है। ठीक, तो वो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लेता है किसी कंपाउंड में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व किसी दूसरे में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे देखिए आप, इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पीछे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक को पास करेंगे, जिंक के साथ ट्रीट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और जिंक की जगह, कॉपर की जगह पे जिंक खुद आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक सल्फेट क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, जिससे कि कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग करने का एक तरीका भी है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो कॉपर सल्फेट है। ठीक, कॉपर सल्फेट यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा कि कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। वंस अगेन यहाँ पे मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए क्या करेगा ये और ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा, कॉपर को, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल है जनरल कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अब दूसरे उसी तरह के कंपाउंड से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन बनती है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट में अगर आप आयरन भी पास करेंगे, आयरन के साथ उसको ट्रीट करेंगे, तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, फेरस सल्फेट से फिर आयरन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी एक तरीका है कि जो आपका फेरस आयरन जो को जो कॉपर को ऑप्टेन करने का, कि उसमें जब आयरन से उसको ट्रीट कर देंगे तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप और एग्जांपल आइए देखते हैं हम लोग कुछ। अब जैसे देखिए लेड क्लोराइड है। ठीक, तो लेड क्लोराइड में अगर हम देखें तो लेड क्लोराइड में क्या होता है कि जब हम इसको लेड के साथ में ट्रीट करते हैं, पीबी के साथ में ट्रीट करते हैं, तो सॉरी कॉपर क्लोराइड को जब हम लेड के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक, तो आपने अभी तक देखा कि जो लेड है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या है, मैग्नीशियम है, ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कॉपर से, कॉपर के कंपाउंड से जब भी रिएक्ट करते हैं तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। एक सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, लेड या सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, तो कॉपर से ये फर्स्ट सेकेंड के जो एलिमेंट होंगे वो इससे रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट से, उसमें से कॉपर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, लेकिन
कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं, तो ये जो है इसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड में कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक। अब अगर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉपर से होगा तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिससे कि ज़्यादा वैल्यूएबल जो एलिमेंट है सिल्वर, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर को सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं, कॉपर से ट्रीट कर दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट को, तो कॉपर नाइट्रेट बना ले रहा है, सिल्वर यहाँ पे अलग हो जा रहा है, ठीक। आप और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप क्या देख रहे हैं कि अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्लोरीन जो गैस है, ये क्लोरीन लिक्विड है बेसिकली, सॉरी क्लोरीन गैस है, पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन करेगा, अब इसमें आप देखिए कि क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ठीक। इसके केस में क्या होता है, जैसे जितने हेलोजन्स होते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, तो क्लोरीन ऊपर होता है, आयोडीन नीचे आता है, जैसे फ्लोरीन सबसे ऊपर, क्लोरीन उसके नीचे, फिर उसके नीचे आयोडीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे करके, ठीक। तो इसमें क्लोरीन आयोडीन से ऊपर आता है तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक। तो जब भी क्लोरीन की रिएक्शन उसके नीचे वाले एलिमेंट से, या जब भी हैलोजन, किसी भी हैलोजन के कंपाउंड का रिएक्शन उसके ऊपर वाले हैलोजन से आप करेंगे तो अपने नीचे वाले हैलोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उस मॉलिक्यूल से, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की जगह क्या बन जाएगा, आप देख रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन बन जाएगा, ठीक सर। तो इस तरह से क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसका लॉजिक आप समझते रहिएगा, लॉजिक हमेशा यही है कि एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड को भी मैग्नीशियम ने क्या किया, अभी आपने देखा था यहाँ पे कॉपर सल्फेट से मैग्नीशियम ने क्या किया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, तो कॉपर ऑक्साइड से भी मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये देखिए आयरन का ऑक्साइड है, इसको जब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में ट्रीट किया जाता है तो क्या होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, अभी आपने देखा कि एल्यूमिनियम क्या है, इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था, सॉरी ऊपर इसका एग्जाम्पल नहीं था, महसूस। तो यहाँ पर क्या है कि एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम का पाउडर है बेसिकली, आप देख रहे हैं सॉलिड लिखा, एल्यूमिनियम के पाउडर के फॉर्म में ये आयरन के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और ये आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ज़्यादा पावरफुल एजेंट होने की वजह से इसमें आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक। तो इस तरह की ये जो रिएक्शन अभी आपने देखी, ये सारे के सारे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, एक सिंगल ने सिंगल को डिस्प्लेस किया था, ठीक, कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम क्या करता है, एक मॉलिक्यूल, एक एटम क्या करता है, दूसरे जो मॉलिक्यूल होता है उसके एटम को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। एक एटम क्या कर रहा होगा, दूसरे वाले को, दूसरे का कोई एक दूसरे वाले को कर रहा होगा, ठीक। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीज़ें एक साथ डिस्प्लेस हो रही होंगी, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होंगे चीज़ों को, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अभी जो इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए HCl है, जैसे मान लीजिए क्या है आपका HCl है, और HCl जब रिएक्ट करेगा, जैसे एक HCl है, आपने देखा HCl प्लस क्या रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ में, NaOH क्या है, बेस, ठीक। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या बन रहा है, NaCl, इसी तरह से Cl
और ये क्या हो रहा है, एच और ओ एच क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये एन ए और क्या हो, एन ए इसका एन ए और इसका एच एक्सचेंज हो जा रहा है, फिर इसका ओ एच और इसका सी एल एक्सचेंज हो रहा है। तो सी एल यहाँ पे आया, ओ एच यहाँ पे गया, तो एच ओ एच बन गया, क्या हो गया, एच टू ओ। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस जो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट, यानी कि इसका हाइड्रोजन और इसका सी एल, दूसरे मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट को एक दूसरे से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, सोडियम, तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। और इस सी एल को कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ से, ओ एच। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, सी एल आ गया। ठीक, तो क्या बन गया, एन ए सी एल, और एच ओ एच क्या बन गया, एच टू ओ। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों ही मतलब उस मॉलिक्यूल के दोनों हिस्से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक सर, ओके समझ गए। तो आइए अब हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि कौन डबल डिस्प्लेसमेंट और कैसे कैसे हो सकता है। तो यानी कि एक तो सबसे सिंपल सा रूल आपको समझ लेना है कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमेशा डबल डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। ठीक, तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो दो ही बना रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स की जो जो है क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से रीअरेंज कर जा रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं अपने एटम्स को, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे दो तरह दोहरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोहरा जो मॉलिक्यूल्स का एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, ओके। तो आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड है, जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। वंस अगेन आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरियम और सोडियम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। फिर क्लोरीन और सल्फेट एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। ठीक, क्लोरीन यहाँ पे पहले ही आ चुका है, सल्फेट इधर गया, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो किस तरह की रिएक्शन है, ये डबल डिकम्पोजिशन। तो जब भी आप इस तरह का एग्जाम्पल देखें कि जैसे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो जब क्लोरीन यहाँ पे आएगा तो सल्फेट यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये लगेगा कि सोडियम क्लोरीन के साथ में आया है, वो बेरियम इसके साथ में आया है, तो कुल मिला के जो एक्सचेंज हो रहा है वो दो बार हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये जो कंपाउंड, दो कंपाउंड बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन, यानी दोहरी अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक, और भी उदाहरण देखेंगे, तो जैसे आप देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बना रहा है। तो वंस अगेन आप देखिए कि बेरियम की जगह कॉपर आ गया तो कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे कॉपर की जगह बेरियम आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, तो ये क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल देखेंगे, तो कॉपर सल्फेट में जब आप H2S गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, यानी कि कॉपर हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, हाइड्रोजन कॉपर की जगह पे चला गया, तो ये क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज़ों का एक्सचेंज होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ पे रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सिल्वर यहाँ पे आ रहा है सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम वहाँ जा रहा है सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो इस तरह से क्या है, ये डबल डिकम्पोजिशन, दो बार एक्सचेंज हो रहा है एटम्स का। एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पे जब रिएक्ट कराया जा रहा है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ऊपर ये जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड, नीचे एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इस तरह से बनेगा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम ऊपर एक शिफ्ट हुआ और लेड नीचे शिफ्ट हुआ, तो क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड और सॉरी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस तरह का एग्जाम्पल है, सारे के सारे ये डबल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो अभी तक आपने देखा चार तरह की बेसिकली फंडामेंटल रिएक्शंस के टाइप थे कि आपने, जो पहला जो टाइप था रिएक्शन का वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिल करके एक सिंगल टाइप का कंपाउंड बना रहे थे। ठीक, तो जब भी राइट साइड पे केवल एक ही कंपाउंड होगा और लेफ्ट में एक से ज़्यादा होंगे तो उस जो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट आपने देखा जो दूसरे तरह की जो रिएक्शन थी वो क्या थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अपघटन अभिक्रिया थी जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल, जो सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है रिएक्टेंट की साइड में, और जब उसको हीट करते हैं या लाइट उस पर डालते हैं या उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो इस तरह ये क्या है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अब उसके बाद फिर हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एक जो एटम है वो क्या करता है, वो किसी मॉलिक्यूल से किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करके वहां पे खुद अटैच हो जाता है। क्यों अटैच हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉर्मली। ठीक, तो ज़्यादा रिएक्टिव एटम्स क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से अपने से मिलते जुलते एटम्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इस तरह की घटनाएं दो मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे अभी आपने देखा आप लेड नाइट्रेट के केस में, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे आ जा रहा है पोटेशियम की जगह पर, तो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो जब भी एक्सचेंज हो जा रहा होगा तो किस तरह की रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। और अब आइए जो सबसे लास्ट, सबसे फाइनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, और इसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज हम लोग यहीं पे इसको कंक्लूड करेंगे इसके बाद में। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ठीक, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑक्सीजन से जुड़ना। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल से, किसी एटम से जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एटम का जब किसी एटम से ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे, या कहिए कि कैल्शियम से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, या कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जब हीट करेंगे, यानी कि जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जबकि ऑक्सीजन खुद क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरे को आप क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जिससे भी जुड़ रहा है ऑक्सीजन उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। या इसका ठीक उल्टा हो रहा होगा तब भी हम बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन हट रहा हो, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम से ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन हट रहा हो तब हम क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट तब तक के लिए, अभी तक के लिए बस हम इतना ही समझेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक, और जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम इस तरह की घटना, तो जैसे देखिए अगर कोई ऑक्सीजन, देखिए जो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो कहीं से आ रहा होगा, ठीक, तो जहां से भी आ रहा होगा ऑक्सीजन वहां पे क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन देता है वो क्या करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक, जहां भाई आपने देखा कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन अगर कोई दूसरा एटम, कोई दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। या जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि जो अब वो दूसरा अगर कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन ले रहा होगा तो वो क्या अलग कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक, तो जो जिसका ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरा उसको ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो जिसका हो रहा है तो उसका बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो उसको कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या और बेटर होता है। इसी तरह से सेम जो केस है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में और रिडक्शन प्रोसेस के साथ में है। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन या तो हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा। आपने ऑक्सीडेशन में क्या देखा था, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा,
रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, ठीक। और इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे कि जो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे या ऑक्सीजन को हटाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक। तो आइए अब देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उसमें देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो कॉपर बनता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, यानी कि पानी बनता है, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब ये क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हटा ले रहा है, रिमूव कर रहा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक। अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक, क्योंकि जस्ट उल्टा हो रहा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन कॉपर से हट रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कौन कर रहा है ये रिडक्शन, कौन हटा रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और आपने क्या देखा है डेफिनेशन में कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना, H2O, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन होकर के क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर बना है, ठीक। ये समझ गए इतना क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे होंगे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, कॉपर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन रहा है, पानी, ठीक। ओके, अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं क्या, H2S, ठीक। जब ये क्लोरीन में जब हम H2S गैस पास करते हैं, ठीक, तो सल्फर प्रेसिपिटेट बन जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन किससे हट रहा है, सल्फर से। तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ध्यान रखिएगा, चाहे ऑक्सीजन जुड़ रहा हो चाहे हाइड्रोजन हट रहा हो, दोनों का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर से क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक। क्लोरीन के साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो सल्फर है वो रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन जो है वो, सॉरी, सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। हमेशा हाइड्रोजन जब हटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। नेक्स्ट आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ में हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रिएक्टेंट में, जिंक, जिंक के साथ में। तो ऑक्सीजन जब हटेगा तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन, ठीक। तो जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, जिंक, ठीक। जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन यहाँ पे क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक, और जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ पे कार्बन क्या है, क्योंकि कार्बन इसके ऑक्सीजन को हटा रही है, यानी कि जिंक को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो कार्बन क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब भी जो किसी को रिड्यूस करता है वो खुद क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस है, तो हटाना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और अगर कोई रिड्यूस कर रहा है किसी को तो खुद वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और जिंक को रिड्यूस कर दे रहा है जिंक ऑक्साइड में, यानी कि जिंक का ऑक्सीजन हटा दे रहा है और कार्बन इसका ऑक्सीजन ले रहा है। तो जब ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और काम कैसा कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, इसको रिड्यूस कर रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में, ठीक।
ओके, तो आइए नेक्स्ट आप देखते हैं, तो एक एग्जांपल एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, जब आप देखते हैं MnO2, MnO2 क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड का जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो MnCl2 बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। ठीक, दो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पे। तो MnO2, मैंगनीज से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक, क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन। तो ऑक्सीजन का हटना आप क्या देखा, क्या है? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है, अपचयित हो रहा है। मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बन रहा है? मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैंगनीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक, और ये हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, और आइए हम कुछ देखते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो। जो लोहे में जंग लगती है, यहाँ पे आप ये देखिए, जब लोहे में जंग लगती है तो वो किस तरह की रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, जब आयरन का ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर जब वहाँ पे प्रेजेंट होता है और वहाँ जब ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा आता है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है, और उसका एक हाइड्रेट, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कितना मॉइस्चर है, आयरन के ऑक्साइड का हाइड्रेट बन जाता है जो कि पाउडर होता है, पाउडर की तरह, और वो आयरन को बेकार कर देता है, खराब कर देता है। ठीक, तो इसलिए हम देखिए यहाँ पे आयरन के साथ में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? आयरन एलिमेंटल है। ठीक, तो इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए Fe2O3 बना रहा है। तो क्योंकि आयरन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस प्रक्रिया में एक ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन होकर के आयरन आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, और ये आयरन ऑक्साइड क्या है कि उस लोहे को कमजोर कर देता है, बेकार कर देता है, और वो लोहा टूटने वाला हो जाता है। ठीक, तो इसको रोकने के लिए क्या क्या तरीके हैं? कुछ तरीके तो आप लोग जानते हैं, जैसे पेंट वगैरह चढ़ाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, मॉइस्चर के संपर्क में ना आए, तो वो खराब नहीं होगा। ठीक, लेकिन और भी तरीके हैं जिसमें मतलब इलेक्ट्रोलिटिक तरीका है, जिसमें हम उसमें गैल्वेनाइजिंग वगैरह करते हैं, जिसको हम आगे और भी डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही जानते हैं। और जो एग्जाम्पल अगर डेली लाइफ में देखना चाहें तो भोजन का जो सड़ना है, ठीक, तो भोजन का सड़ना भी भोजन के ऑक्सीडाइज होने की वजह से होता है। जो अभी आपने जैसा कि देखा कि जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण हो सकती है, थोड़ा सा गर्मी की वजह से हो सकती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें, या तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, या उसमें नाइट्रोजन डाल देंगे। तो नाइट्रोजन डाल देंगे जब, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं चीज़। ठीक, तो इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तब भी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, या लाइट से दूर रखेंगे तो लाइट क्या करती है, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस तरह से भोजन के सड़ने को हम एंटीऑक्सीडेंट डाल करके, नाइट्रोजन गैस में डाल करके, रेफ्रिजरेटर में रख करके, एयर कंटेनर, टाइट कंटेनर में रख के, और उसको लाइट से दूर रख के हम भोजन को सड़ने से बचा सकते हैं। ये थे हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल और इनके जो कॉन्सेप्ट। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और सबसे पहले आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको इस तरह के और किसी टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग इस पे आपके टॉपिक को जल्दी से जल्दी नया वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।